तो भाई जैसे क्या सभी लोग जानते हो, बहुत ही जल्दी हमारे इंडिया से पर ईद इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग को काफी सारे फ्री के इवेंट्स एंड रिवार्ड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसे प्रॉमिस किया था, जैसे जैसे मुझे उस फ्री के इवेंट्स के बारे में पता लगता है तो आप लोगों को जरूर से बताऊंगा। और फाइनली गाइस ऑफिशियली यहां पे कंफर्म हो चुका है कब कौन से इवेंट के साथ आप लोग को फ्री के रिवार्ड्स दिए जाएंगे, कैलेंडर किस टाइप का देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ आज के डेट में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही गाइस हम लोग बात करने वाले आप लोग की न्यू मोगो स्टोर इवेंट, न्यू फेडरल इवेंट एंड आप लोग के ओबी 45 के बाद गेम में होने वाले चेंजेस एंड न्यू इवेंट्स के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। पर गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप सेट कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इस तरह ग्रैंड फ्री फायर से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी अपडेट वीडियो से लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करें सबसे पहली अपडेट की आने वाली कि हमारे इंडिया सर पर आने वाले न्यू फेडरल इवेंट है, आप लोग के न्यू P90 गन स्किन के आ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का आप लोग एक न्यू फेडरल इवेंट निकल कर आ रहा है, जिसमें गाइस आप लोग को हमारी एक लेजेंडरी P90 गन स्किन देखने के लिए मिल जाती है। बात करें इसके एट्रीब्यूट के बारे में तो गाइस आप लोग इसमें डबल आर्म पेंट्रेशन के साथ ही सिंगल रेंज प्लस में देखने के लिए मिलने वाले, इसके अलावा आप लोग इसमें मैगजीन सिंगल माइनस में दी गई है। तो काफी ऑफिशियल लेजेंडरी गन स्किन देखने के लिए मिल जाती है, तो बहुत ही जल्दी दी जाए क्योंकि इसके बाद में हमारे 7th एनिवर्सरी स्पेशल ओल्ड पिक की भी गन स्किन P90 देखने के लिए मिलेगी, इसलिए आप लोग को बहुत जल्द नजर आने वाली है। साथ ही साथ गाइस आप लोग यहाँ पे इसी की थीम पर एक लेजेंडरी बॉल की स्किन भी देखने के लिए मिल जाती है और कुछ नॉर्मल से रिवार्ड्स यहाँ पे डाले गए। तो P90 की इस गन स्किन को बहुत ही जल्दी गन वालों को देना होगा क्योंकि 7th एनिवर्सरी स्पेशल जो P90 गन स्किन डिजाइन की गई है वो भी आप लोग के आफ्टर अपडेट दी जाने वाली है। तो बहुत ही जल्दी हमारे इंडिया से पर कुछ इस टाइप से फेडरल वेरिएंट आप लोग को ये गन स्किन देखने के लिए मिल सकती है। अभी गाइस देखो इसकी एग्जैक्ट डेट या इवेंट वगैरह कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ सर्वर पर ऑलरेडी ये इवेंट ये वाली गन स्किन आ चुकी है, तो हमारे इंडिया से पर आप लोग को बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगी। बाकी जैसे कुछ कंफर्मेशन अपडेट यहाँ पे निकल कर आती तो आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। इसके अंत में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के सीएस रैंक में होने वाले चेंजेस के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो अपडेट है, आप लोगों को हमारे गेम में क्लैश स्क्वाड एपीपी का एक न्यू मोड देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें गाइस आप लोग को अपना जो कैरेक्टर है फर्स्ट पर्सपेक्टिव पर्सन, यानी कि आप लोग को जो अपना कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा लेकिन सामने वाले एनिमीज है वो आप लोग को पूरी तरीके से दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो मोड है पहले आप लोग को क्राफ्टलैंड मोड में देखने के लिए मिला करता था, एक दो बार रियली में हमारे गेम में ऐसा कुछ मोड डाला भी गया, लेकिन गाइस परमानेंटली आप लोग को OB45 अपडेट के बाद इस टाइप से एपीपी मोड देखने के लिए मिलेगा, जिसमें गाइस आप लोग को खेलने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने पर्सनली इसे खेला तो यार मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, एंड आप लोगों को जब एक मोड गेम में देखने के लिए मिलेगा तो हो सकता है गाइस आप लोग के फेवरेट मोड जिसे आप लोग सबसे ज्यादा खेलना पसंद करोगे, बट यहाँ पे आप लोग को उतना भी ज्यादा मजा नहीं आएगा एंड आप लोग कुछ देर के बाद हो सकता है कि इससे बोर हो जाओगे, बट फिर भी काफी अच्छा खासा आप लोग को यहाँ पे OB45 अपडेट के बाद क्लैश स्क्वाड एपीपी का न्यू मोड देखने के लिए मिलेगा। एंड हो सकता है जब ये वाला मोड ज्यादा खेलने लग जाए तो आप लोग को आगे जाकर ये जो मोड है सीएस रैंक में भी देखने के लिए मिल जाए, यानी कि सीएस रैंक एपीपी मोड भी हमारे इंडिया सर्वर पर डाला जा सकता है। बाकी OB45 अपडेट के बाद जब भी आप लोग सीएस या सीएस रैंक खेलते हो तो आप लोग को जगह जगह हमारे 7th एनिवर्सरी स्पेशल एयर ड्रॉप गिरे हुए देखने के लिए मिलने वाला, जिनको आप लोग गन से या पेन से या आप लोग बैट से जो लास्ट से घूसे से जैसे भी फोड़ना चाहो वैसे फोड़ सकते हो। उसे फोड़ने के बाद आप लोग को एक छोटा सा गिफ्ट मिलता है, उस गिफ्ट से गाइस आप लोग को यहाँ पे कुछ लूट मिलने वाली है जो कि हो सकता है आप लोग को सीएस स्टोर में ना मिले, यानी कि आप लोग एपिक कॉइन से परचेस नहीं कर पाओ, ऐसी लूट आप लोग को इन बॉक्सेस या गाइस इन एयर ड्रॉप को फोड़ने पर मिलने वाली है। इसके अलावा सीएस रैंक खेलते टाइम किसी भी राउंड में आप लोग को हमारा ओल्ड पिक यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें गाइस आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सीएस स्टोर के से अपनी गन वगैरह परचेस करने के लिए दी जाती है, जैसे कि आप लोग को हर राउंड में देखने के लिए मिलता है। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, एक तो गाइस आप लोग यहाँ पे ओल्ड पिक में खेल सकते हो एंड साथ ही साथ गाइस आप लोग यहाँ पे चार लाइटिंग वगैरह के एक बॉक्स टाइप के दिखाई दे रहे, उनसे गाइस आप लोग गन वगैरह और लूट सकते हो जो कि हो सकता है कि आप लोग को सीएस स्टोर में ना दी जाती हो। तो ये चार बॉक्स से लाइट वाला एनिमेशन आप लोग गन वाला एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, वहां से आप लोग जो चाहो वो गन भी ले सकते हो। तो ये आप लोग को सीएस रैंक में अपडेट आने के बाद चेंज देखने के लिए मिलेगा, जहां पे गाइस आप लोग ओल्ड पिक में भी खेल पाओगे लेकिन यहाँ पे आप लोग का कैरेक्टर बड़ा होने वाला और हमारा ओल्ड पिक छोटा होने वाला है। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी कि आप लोग के ईद स्पेशल फ्री बंडल के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का आप लोग के लिए इवेंट निकल कर आ रहा है, एंड मैं आप लोग को बता दूं इसमें आप लोग कुछ गन स्किन के क्रेट देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही गाइस आप लोग यहाँ पे एक फीमेल का बंडल भी दिया गया, एंड देखो गाइस कुछ सर्वर पर ये जो मेल का बंडल ईद इवेंट में बिल्कुल भी फ्री में क्लेम करने के लिए मिला है। तो गाइस जैसे ही हमारे इंडिया सर्वर आप लोग का ईद इवेंट स्टार्ट हो जाएगा तो काफी ज्यादा चांसेस है कि हमारे इंडिया सर्वर भी आप लोग को ये जो बंडल है बिल्कुल भी फ्री में क्लेम करने के लिए मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा सा आप लोग यहाँ पे बंडल देखने के लिए मिल जाता है, एंड इतना ज्यादा लेजेंडरी नहीं है बट ठीक ठाक है। अगर इस बार हम लोग को ईद इवेंट से मेल का बंडल फ्री में दिया जाता है तो ये जो बंडल हमारे इंडिया सर्वर के लिए निकल कर आ रहा है जो कि आप लोग को ईद इवेंट में फ्री में क्लेम करने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद में गाइस वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के कुछ फ्री के इवेंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का, सबसे पहले आप लोग को
हमारे फ्री के इवेंट में क्रेट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि ईरी स्पेशल आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही आप लोग यहाँ पे गन स्किन स्पेशल क्रेट दिया गया, जिसमें आप लोग को हमारी एक ग्रोजा की स्किन देखने के लिए मिल सकती है, डबल एक्यूरेसी सिंगल डैमेज प्लस के साथ ही मैगजीन सिंगल माइनस में दी गई है। एंड साथ ही साथ गाइस आप लोग यहाँ पे थीम में भी एसएस की गन स्किन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि वैलेंटाइन स्पेशल है। बाकी साथ ही आप लोग की ये जो बैकपैक स्किन हमारे इंडिया से पर ईद इवेंट में प्रीमियम क्लेम करने के लिए दी जाएगी, तो नॉर्मल सी होने वाली, ऐसा कुछ खास आप लोग इसके अंदर विजुअल इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ में गाइस आप लोग को और कुछ फ्री के रिवार्ड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गन फेयर की तरफ से ऑफिशियली वीकली शेड्यूल निकल कर आ चुका है, जहाँ पे गाइस आप लोग को पता है 10 से लेकर 14 जून तक हमारे इंडिया से पर ईद इज कमिंग एंड ईद स्पेशल आप लोग को गोल्ड ड्रॉप इवेंट देखने के लिए मिल चुका है, जिसमें डेली मिशन कंप्लीट करने पर आप लोग को गोल्ड मिलते हैं। साथ ही गाइस आप लोग को मैं बता दूं भाई 16 जून को हमारे इंडिया से पर ईद मुबारक का न्यू इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें गाइस आप लोग को एक स्पेशल हेड टाइप का कैप देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइस आप लोग यहाँ पे 14 से 25 जून तक एक कॉल बैक या फ्रेंड्स का न्यू इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें गाइस आप लोग कुछ स्पेशल क्रेट्स फ्री के रिवार्ड्स एंड गोल्ड कॉइन क्लेम करने के लिए दिए जाने वाले हैं। तो ये आप लोग की अपकमिंग कुछ फ्री के इवेंट्स कंफर्म हुई है, बाकी और भी काफी सारे इवेंट्स आप लोग के पेंडिंग है, जो कि आप लोग को आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी गाइस कैलेंडर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, काफी सारे सर पर इस टाइप से ईद इवेंट स्पेशल कैलेंडर दिया गया है, जिसमें आप लोग को काफी सारे फ्री के रिवार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। डेली मिशन कंप्लीट करने पर लक रॉयल एंड इंक्यूबेटर वाउचर दिए जा रहे हैं, लेकिन इंक्यूबेटर हमारे इंडिया से नहीं है, तो आप लोग को गोल्ड वाउचर देखने के लिए मिल सकते हैं। बंडल यहाँ पे जो दिया गया है वो आप लोग ऑलरेडी हमारे इंडिया से पहले लक इवेंट में देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग हमारे एक मेले वेपन यानी कि बैट की स्किन दी गई है, जो आप लोग को प्रीमियम मिलने वाली है। बाकी आप लोग लूट रिवार्ड्स देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग को एक लूट बॉस की स्किन देखने के लिए मिल सकती है, जो कि ठीक ठाक होने वाले मे बी गाइस आप लोग को ये ईद इवेंट के टाइम देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आप लोग को हमारी एक ग्लोबल स्किन भी दी गई है, जो कि काफी अच्छी खासी दी जा रही है। एंड गाइस कुछ तरह पर ये ईद इवेंट में बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने के लिए मिले, तो देखते हैं इंडिया से मिलती है नहीं मिलती। बाकी ये जो बैट की स्किन आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में हमारे इंडिया से देखने के लिए मिलेगी, जो कि 100% कंफर्म है। काफी अच्छी सी आप लोग यहाँ पे बीम ऑफ साइलेंस वाली बैट की स्किन देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ में गाइस यहाँ पे आप लोग एक परांग की स्किन दी जाने वाली है, स्लेंस ऑफ साइलेंस वाली, जो कि आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने के लिए मिलेगी एंड काफी अच्छी खासी दी गई है, लेकिन इसमें आप लोग को किसी तरीके का विजुअल इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे एक AWM की स्किन देख सकते हो, जिसमें डबल मैगजीन सिंगल मोमेंट स्पीड प्लस के साथ ही रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिल जाते हैं, काफी अच्छी से विजुअल इफेक्ट साथ आप लोग को देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ में एक मैक्सिमम की गन स्किन होने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, डबल रिलोड स्पीड सिंगल प्लस के साथ या फिर सिंगल माइनस देखने के लिए मिल जाती है, जिसके बारे में आप लोग को बताया कि टोकन इवेंट में नजर आ सकती है, आप लोग को फिडल इवेंट में देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग ये जो दो बंडल देख पा रहे हैं, ये भी हमारे इंडिया से बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि आप लोग को ईद इवेंट में देखने के लिए मिलेंगे, बट हाँ इसी मंथ हो सकता है कि आप लोग को फिडल इवेंट में या लकरो इवेंट में दोनों मेल एंड फीमेल के बंडल देखने के लिए मिल जाए, या इनके लिए स्पेशली एक टोकन इवेंट भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। दो स्पेशली यहाँ पे बंडल्स को डिजाइन किया गया है, जो कि अभी तक पेंडिंग रखे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को हमारी एक बैकपैक स्किन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप लोग को ईद इवेंट से फ्री में देखने के लिए मिल सकती है, काफी प्यारी सी यहाँ पे दी गई है। इसी के साथ में जो आप लोग सर्वबोर्ड की स्किन देख पा रहे हो, ये तो ऑलरेडी हमारे इंडिया से पर ईद कमिंग के इवेंट से फ्री में देखने के लिए मिल रही है, तो कुछ इस टाइप के आप लोग के लिए नए रिवार्ड्स निकल कर आ रहे थे ईद इवेंट से रिलेटेड, जिनका सभी के मैंने आप लोग को रिव्यू करके बता दिया, इनमें से कुछ रिवार्ड्स आप लोग हमारे इंडिया से पर ईद इवेंट में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी का इस बात करें आप लोग के कुछ लकी एंड इंपॉर्टेंट कमेंट्स के आ रहे हैं, जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस पे किए थे। फर्स्ट कमेंट में CRGM 500 ने किया, मनु भाई सितंबर मंथ का भैया पास नेक्स्ट वेपन रोल का स्किन का रिव्यू कर दो, तो गाइस आप लोग वेट कर लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर लेकर आ जाऊं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे राजपूत ने किया, प्लीज बता दो इवोगन फेडरल इवेंट में कब आएगी, बता दो प्लीज मुझे निकालनी है। तो मैं आप लोग को बता दो, गन्ना वालों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है टोकन इवेंट में देने से, लोग स्पिन भी कर रहे हैं, जब तक कि प्लेयर्स स्पिन करेंगे टोकन इवेंट में ज्यादा पसंद करेंगे टोकन इवेंट को या मतलब इवोल्ट को, तो तब तक आप लोग को इवोल्ट में हमारी सारी इवोगन रिटर्न में दी जाएगी एंड धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स के पास इवोगन हो जाएगी, तो उससे गन्ना वालों की बिक्री बढ़ रही है, तो वो चीज आप लोग समझा करो। बाकी अगर आप लोग स्पिन करना छोड़ दोगे टोकन इवेंट में, तो हो सकता है वापस फेडरल इवेंट में रिटर्न में दी जाने लगे। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे कुलदीप प्रभात ने किया, मन्नू भाई ईद इवेंट कब आएगा प्लीज बता दो, तो गाइस ईद इवेंट आप लोग को हमारे इंडिया से 14-15 तारीख से देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे डेंजर प्लेयर ने किया, मन्नू भाई प्लीज बता दो कोबरा MP40 कब आएगा, तो गाइस नेक्स्ट इवेंट में हो सकता है आप लोग को कोबरा MP40 रिटर्न में देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं कर सकता, आप लोग वेट कीजिए, जैसे कोबरा MP40 या गाइस आप लोग के नेक्स्ट इवेंट को लेकर कुछ कंफर्मेशन होगा तो आप लोग को जरूर से बता दूंगा। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।